हम एक लड़ाई में हैं, हाँ या ना? पर मूर्ख है वो व्यक्ति जो शरीर के साथ लड़ते हैं, क्योंकि हम एक आत्मिक लड़ाई में, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। आमीन। और जब आदमी गलत लड़ाई लड़ता है वो थक जाता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वो गलत लड़ाई लड़ते हैं, मांस और लहू के साथ लड़ते हैं, वो थक जाते हैं। शैतान उसकी लाइफ में अटैक करता है, उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है लोगों की, क्योंकि जब आप मांस और लहू के साथ लड़ेंगे आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर हमारी लड़ाई आत्मिक है तो हमारे हथियार भी आत्मिक हैं, क्योंकि इस बंदूक के साथ आप आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। शैतान तलवार के साथ नहीं मर सकता, वो आत्मिक तलवार के साथ मरता है। एक औरत, एक्सीडेंट हो गया उसका और बिल्कुल लोअर बैक में चोट लगी, पैरालाइज़ हो गया, टांगे महसूस होना बंद हो गई। क्रिश्चियन थी वो, और उसके बाद व्हीलचेयर पे आ गई, थोड़ा बहुत गाती थी। अब एक फैसला लेना था कि क्या गाऊं कि ना गाऊं, क्योंकि व्हीलचेयर पे हूं, थोड़ी बहुत दर्द नहीं है कि छुपा लूं। फैसला किया कि नहीं मैं गाऊंगी, व्हीलचेयर पे गाना शुरू किया। उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं व्हीलचेयर पे गीत गाने की। 22 साल व्हीलचेयर पे रही, उन्हीं 22 सालों में उसकी शादी हुई। एक पास्टर ने उसके साथ मैरिज करने के लिए हां बोली, ये जानते हुए कि वो व्हीलचेयर पे और कभी नहीं उठेगी। बच्चे भी नेचुरल नहीं हुए, क्योंकि उसको महसूस नहीं कुछ होता था टांगों के नीचे, तो बच्चे भी सिजेरियन से हुए। और एक दिन अमेरिका में एक मीटिंग चल रही थी और परमेश्वर का दास प्रीच कर रहा था वहां पे, और वर्शिप के दौरान उसकी आंखें उस बंदे की ओर पड़ी जिसने साइड में व्हीलचेयर रखी थी, और कोई लेडी उस पर बैठी थी। उसने कहा, कौन है ये? क्या तुम्हारी वाइफ है? उसने कहा हाँ। और जब उस पर प्रार्थना हुई, 22 साल बाद उसने चलना शुरू किया। जब 22 साल बाद वो चली, उससे पूछा गया 22 साल कैसे थे, कहती आंसुओं से भरे थे, निराशा से भरे थे। मैं ये सोचती थी कि कुछ सालों बाद मेरा हस्बैंड जब ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा, मुझे किसी, जैसे यहां पिंगलवाड़े होते हैं, मुझे ऐसे किसी ओल्ड होम में जाना पड़ेगा, कोई केयर होम में जाना पड़ेगा, अपना प्लान बना रही थी वो। कहते क्या हुआ कि परमेश्वर ने आपको छुआ? कहती इन 22 सालों में मैंने कभी भी, चाहे मैं दुखी हूं, रोऊं, निराश हूं, मैंने वर्शिप करना कभी नहीं छोड़ा। कहते कभी नहीं छोड़ा। कहते ये नहीं मैं दुखी नहीं हुई, ये नहीं मेरी आस नहीं टूटी। कहती एक टाइम था 10 साल मेरी आस टूट चुकी थी, 10 साल। कहती मुझे 1% भी यकीन नहीं था। कहती अब ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आ गया था कि हीलिंग मीटिंग के दौरान मैंने आगे जाके प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी, क्योंकि जब उस पर प्रार्थना होती थी हीलिंग मीटिंग में, वो हील नहीं होती थी और उसको शर्मिंदा होकर उसको उठाते थे, चलो चलो, वो चलती नहीं थी, फिर बैठ जाती थी। और कहती इतनी बार मेरे साथ हुआ कि मैंने प्रार्थना करवानी बंद कर दी थी उस दिन। कहते क्या हुआ? कहती मैं व्हील चेयर पे थी और मेरे सामने एक बेबी था, उसको किडनी की डिजीज थी, छोटा बच्चा था, और कहती मैं परमेश्वर से रो के प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इस बच्चे का क्या कसूर है, तू इसको छू और चंगा कर। कहती मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी बच्चे के लिए, और परमेश्वर के दास ने आवाज मारी, कौन है ये बंदा, साथ इसके कौन है, इसकी वाइफ है, इसको लेके आओ। हर कोई चाहता है हीलिंग, हर कोई चाहता है कि मैं विक्टोरियस हो जाऊं, पर क्या आपको नहीं मालूम जीत के लिए आपको आत्मिक रूप से लड़ना जरूरी है, और आत्मिक रूप से लड़ने के लिए उसके हथियार भी आत्मिक ही हैं। मैं चंगी हो जाऊं ये इच्छा रखना हथियार नहीं है, ये आपकी एक इच्छा है। मुझे प्रभु बरकत दे दे ये हथियार नहीं है, ये आपका प्लान है, ये आपका नक्शा है, ये ईंटे बजरी रेता सीमेंट नहीं। आमीन। घर बनाने के लिए नक्शा चाहिए? अकेले नक्शे से घर बन जाएगा क्या? फिर सामान चाहिए।
आज वो कलीसिया के पास वो सामान नहीं जिससे वो अपना घर बना सके, क्योंकि जब मुश्किल की टाइम आती है तो वर्शिप होनी बंद हो जाती है। इमेजिन करो, एक औरत परमेश्वर के बारे में गा रही है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, और खुद व्हील चेयर पे 5-10 महीने, 22 महीने भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होते, 22 साल। हालेलुया। और जब उस औरत की हीलिंग के बारे में मालूम हुआ, उसके शहर का मेयर उसे रिसीव करने के लिए आया, क्योंकि वो छोटी हस्ती नहीं थी, वो बहुत मशहूर थी व्हील चेयर पे, वो सिंगर थी व्हील चेयर, लोग उसे व्हील चेयर वाली सिंगर बोलते थे, बहुत मशहूर थी वो। डेड हो चुकी थी उसकी टांगे 22 साल, बच्चे भी उसके नॉर्मल नहीं हुए। अगर आप लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जीतना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते तो हथियारों से लड़ना पड़ेगा, और हमारे हथियार आत्मिक है। वर्शिप एक हथियार है, वर्शिप इतना खतरनाक हथियार है कि अपनी लाइफ के डीपेस्ट निराशा के अंदर अगर आप वर्शिप करेंगे, आप जल्दी बाहर आएंगे, एंड में आप हंसेंगे। वो लड़ाई होती है ना, कहते ना आखिरी हंसी मेरी होगी, यानी जीत मेरी होगी, आप आखिरी हंसी हंसोगे, और आपका आपका जो शैतान दुश्मन है वो शर्मिंदगी भरी निगाहों से नीचे देखता होगा, आप आखिरी हंसी हंसोगे। आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरे पास हथियार है, लेकिन वो है क्या? वर्शिप एक हथियार है। जब ये मालूम नहीं मेरा हथियार क्या है, हथियार इस्तेमाल कैसे करने हैं, तो रिजल्ट आना तो दूर की बात है। वर्शिप एक हथियार है, वर्शिप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। जैसे आके रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो, हां भी गीत चल रहे हैं, चलो गीत गालो दो, नो। वर्शिप एक हथियार है, यह एक वेपन है शैतान के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, यह एक हथियार है। इसलिए हर एक सीरियस क्रिश्चियन वो टाइम पे चर्च पे आता है हमेशा, और वर्शिप करने नहीं, वर्शिप को एंजॉय करना है, एक एक सेकंड, एक एक पल का। आमीन। नाच के, झूम के, तालियों के साथ, कैसे भी। दाऊद से बड़ा राजा कोई नहीं था, और लिखा वो लड़कियों की तरह नाचता था जब वर्शिप करता था, उसकी वाइफ कहती थी क्या तू, उसमें बाइबल में लिखा कंजरियों की तरह नाच रहा था। उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया उसके लिए मैं और नीचा होऊंगा, जिसने तेरे बाप का सिंहासन मुझे दिया। आमीन। और हम सोचते हैं कि नहीं, मैं मोहल्ले का प्रधान हूं तो मैं ऐसे ऐसे डांस करूंगा तो क्या लोग सोचेंगे। और एक राजा कह रहा है कि मैं इतना नीचा बनूंगा ताकि खुदा मुझे और ऊंचा कर सके। मैंने देखा चर्चों में लोग वर्शिप नहीं करते, ताली नहीं बजाते, आराम से बैठते हैं। नाचना तो बहुत दूर की बात है, कभी हथियार आराम से देखा चलाते हुए, आराम से कैसे चलता है हथियार, ऐसे चलाते तलवार, क्या शारीरिक तलवार कैसे चलाते हैं आराम से, ये कोई प्रॉप थोड़ी है जिससे डांस हो रहा है। उसी तरह से जो आत्मिक हथियार है, वर्शिप है, वो भी आप ऐसे नहीं कर सकते सोए सोए, अभी जागे हैं बस, क्योंकि ये एक क्या है, हथियार है। आमीन। यीशु मसीह को बोला अब हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु। परमेश्वर ने कहा जब प्रार्थना करो तो बोलो हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम, यानी जब प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप करो, क्यों तेरा नाम पाक माना जाए, यानी तू वर्शिप करो खुदावंद की, उसके बाद अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बीच में रखो, एक सैंडविच बनाओ, एक बर्गर बनाना है वर्शिप का, थैंक्स गिविंग बीच में प्रार्थना रखनी। अगर बर्गर की टिक्की ऊपर होगी और न्यूडल ऊपर होंगे अच्छा लगेगा, उसी तरह प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता जब आप चर्च में आते ही बोलते हो प्रभु जी हाय आज जी चंगा कर दी, प्रभु आपने बर्गर की टिक्की ऊपर लगा दी, सैंडविच का आपने वो टमाटर ऊपर रख दिया और बुरा लग रहा है देखने में भी खाने में भी। कहता हे हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी, हां
आसमान में क्या पूरी होती है, पड़ी है ना, धरती पर भी हो। और उसके बाद कहता मुझे माफ कर, प्रेयर रिक्वेस्ट पर्सनल, क्योंकि महिमा राज्य और पराक्रम सदा, फिर वर्शिप, वर्शिप से शुरू, थैंक्स गिविंग से शुरू, बीच में पर्सनल रिक्वेस्ट, वर्शिप और थैंक्स गिविंग से बंद। ये है सही प्रार्थना, हथियार, राइटली लड़ना, सही तरीके के साथ लड़ना और जीतना। आमीन। कुछ तो फर्क है गोल्ड मेडल लाने में और एक सेकंड से रह जाने में, कहीं तो टेक्निक का फर्क है, कुछ तो फर्क है ना। यही फर्क है आत्मिक तरीके से भी। जब हमें यह नहीं मालूम हमारे हथियार क्या है, एक वचन में पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम पंजाबी में जिसे बोलते हैं रसूलां दे कर्तव्य, इंग्लिश में एक्ट्स, प्रेरितों के काम 8 उसकी 26। फिर प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलम आया था। अपने रथ पर वो बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट कर इसके साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का वो अध्याय जो पढ़ रहा था वो ये था कि वह भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। 35 में लिखा, फिर फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। सब बोलो आमीन। 37 में आप अगर पढ़ेंगे तो उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो उन्होंने एक जगह लिखा, बपतिस्मा लिया। जैसे ही बपतिस्मा लिया प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा के लेके गया और फिर उसने खोजे ने उसे कभी ना देखा। 40 में लिखा, फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। तारीफ करो इस वचन के लिए। उसने क्या कहा? कहता प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस को उठाया फिजिकली, उससे बात की और कहा कि फलाने मार्ग में जा, एक रेगिस्तानी मार्ग है वहां पे जा और उसको बंदा जो तुझे मिलेगा उसे सुसमाचार सुना। लिखा वो खोजा था, कंदाके की रानी की खजांची मंत्री था, बड़ी ऊंची पोजीशन पे रहने वाला था, और जब फिलिप्पुस उसके साथ रथ के साथ दौड़ा तो उसने देखा कि वो पुस्तक पढ़ रहा है यशाया की, पर उसे समझ नहीं रहा। उसने कहा समझाऊं? उन्होंने कहा हाँ समझाओ। जब समझाया तो यीशु मसीह के बारे में बताया। रास्ते में उसने बपतिस्मा लिया। जैसे ही बपतिस्मा लिया परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को फिर उठा के लेके गया और वो दूसरी जगह निकला, और जब तक उस जगह नहीं पहुंचा तब तक रास्ते में नगर नगर सुसमाचार को वो सुनाता हुआ फिरा। एक और वचन हम खोलेंगे, इफिसियों की पुस्तक 6:10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने पड़ोसी को बोलो बलवंत बन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। सब बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब हथियार आ गए आगे। इसलिए सच्चाई से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अपने पड़ोसी को बोलो हथियार बांध, बलवंत हो ताकि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। आमीन। आपने एक हथियार के बारे में सुना जिसका नाम है वर्शिप। उसको पैटर्न बनाओ अपनी लाइफ का। जरूरी नहीं आपको गाना नहीं आता,
थैंक यू जीसस, ये भी वर्शिप है। हाँ, जब आप गाड़ी में बैठे बैठने से पहले क्या बोल रहे हैं? थैंक यू जीसस, ये क्या है? वर्शिप। जरूरी नहीं आपके पास अच्छा गला हो तभी आप वर्शिप कर सकते हो। थैंक यू जीसस।